लेकिन तभी वो अचानक से मुड़कर समुंदर में जा गिरती है और वहाँ बैठे कुछ लोग हैरान हो जाते हैं कि एकदम से ये कैसे हो गया। अगले दिन उस घटना की तहकीकात करने के लिए वहाँ पर इंस्पेक्टर सूरी और जूनियर पुलिस ऑफिसर देवरत आते हैं और सभी से पूछताछ करना शुरू करते हैं कि कैसे क्या हुआ। पिछली रात जिन लोगों ने ये हादसा होते हुए देखा था वो बताते हैं कि सड़क एकदम खाली थी, पर ड्राइवर ने गाड़ी ऐसे मोड़ी जैसे कोई उसके सामने आ गया हो और फिर गाड़ी सीधा समुद्र में जा गिरी। क्रेन की मदद से अब उस कार को निकाला जाता है। तो यहाँ पता चलता है कि जो इंसान गाड़ी चला रहा था वो फेमस सुपरस्टार अरमान कपूर है, जिसकी अब मौत हो चुकी थी। कोई आम इंसान मरता तो शायद केस नॉर्मली चलता, पर एक जाना माना प्रचलित एक्टर मरा था, वो भी इस तरह से। तो इस मौत की खबर पूरे देश भर में फैल जाती है और ये एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। सूरी अरमान की पत्नी से मिलता है तो वो बताती हैं कि अरमान कभी भी खुद गाड़ी नहीं चलाता था, बल्कि उसके लिए ड्राइवर था और उसका स्पॉट बॉय हमेशा उसके साथ रहता था। पर एक्सीडेंट वाली रात अरमान खुद गाड़ी चला रहा था और उसके साथ कोई भी नहीं था। अब इसके बाद हमें रेड लाइट एरिया दिखाया जाता है, जहां हम तैमूर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि शशि नाम के एक आदमी को बताने जाता है कि अरमान टपक गया है। शशि के साथ मल्लिका नाम की एक लड़की रहती थी जिससे वो प्यार करता था, लेकिन पहले वो वैश्या थी, पर शशि ने उसको पूरी तरह से खरीद कर उसे उस काम से आजादी दिला दी थी और अब वो उसके साथ ही रहती थी। शशि का अरमान कपूर से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था, क्योंकि अरमान के मरने की खबर सुनने के बाद वो हर वक्त घबराया सा रहता था। वो एक हरे रंग के बैग से खूब सारे पैसे निकालता है और एक बैग में पैसे और कपड़े रखकर मल्लिका से कहता है कि वो कुछ काम से गांव जा रहा है, जल्द ही आ जाएगा। तैमूर एक टांग से लंगड़ा था और उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था जिससे कि पैसे कमा सके, तो वो इधर उधर छोटे मोटे काम करके अपना पेट पाल लेता था। शशि ने तैमूर से नया सिम मंगाया था, तो शशि नया सिम लगाकर पुराना सिम फेंक देता है। शशि के चाल चलन को देखकर तैमूर को शक होता है कि दाल में कुछ तो काला है, तो वो पुराने सिम को चुपचाप उठा के वहाँ से चला जाता है। अब हमें सूरी की जिंदगी के बारे में बताया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसका व्यक्तिगत जीवन उथल पुथल हो रखा था। सूरी के 8-10 साल के बेटे करण के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से सूरी और उसकी पत्नी रोशनी के बीच दूरियां आ गईं और दोनों लोगों में अब ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। पर उनके बेटे के साथ हुआ क्या था ये आपको आगे ही पता चलेगा। अब एक दिन हम देखते हैं कि रोशनी जब घर में अकेली होती है तो उसके घर में फ्रनी नाम की एक औरत आती है, जो कि अपने आप को उसकी पड़ोसन बताती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पूछताछ कर रही होती है कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी और ही मकसद से आई हो। अब हम देखते हैं कि सूरी अरमान के बचपन के दोस्त संजय और अरमान की पत्नी से मिलता है ये जानने के लिए कि कहीं अरमान को किसी बात की टेंशन तो नहीं थी, जिसकी वजह से शायद उन्होंने खुद ही अपनी जान दे दी। क्योंकि वो उस रात उस रोड पर क्या कर रहा था और अचानक से कैसे उसकी गाड़ी घूम गई, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अरमान की पत्नी बताती हैं कि मेरे अकाउंटेंट ने बताया कि उस रात उसने अरमान को 20 लाख कैश दिए थे, लेकिन अरमान ने इतने पैसे क्यों लिए ये नहीं पता। अकाउंटेंट और स्पॉट बॉय से पूछताछ करने पर उन्हें जानकारी मिलती है कि वो पैसे एक हरे रंग के बैग में रखे थे, पर दिक्कत वाली बात ये थी कि गाड़ी के अंदर हरे रंग का कोई भी बैग नहीं मिला था। उन्हें ये भी पता चलता है कि पहले भी 2 बार अरमान ने ऐसे ही पैसे लिए थे। एक बार तो अरमान ने अकाउंटेंट के हाथों होटल लिडो में पैसे भिजवाए थे। सोचने वाली बात ये थी कि जहां अरमान का एक्सीडेंट हुआ था वो होटल उसी जगह से थोड़ी ही दूर पर स्थित था। अकाउंटेंट ने पैसे रिसेप्शनिस्ट मुर्गन को दिए थे, तो वो उसी को ढूंढने में लग जाते हैं, पर उसने बहुत समय पहले ही अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब हम शशि को देखते हैं, जो कि किसी व्यक्ति से 50 लाख रुपए देने की मांग कर रहा होता है, लेकिन वो इंसान कौन था
था और उसका रोल क्या है ये आपको आगे ही पता चलेगा। अब एक दिन सूर्य और रोशनी मोहल्ले के एक फंक्शन से घर जा रहे होते हैं कि तभी उनके पास फ्रेनी आती है जो कि काफी ज्यादा फ्रेंडली होकर उनसे बातचीत करने लग जाती है। वो सूर्य के सामने उसके बेटे का नाम लेते हुए कहती है कि करण ने मुझसे कहा है कि वो तुम्हें बताए कि वो तुमसे बात करना चाहता है। ये सुनकर सूर्य का माथा गर्म हो जाता है कि औरत क्या नाप शनाप बक रही है और वो उस पर गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है। रोशनी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उस औरत को करण के बारे में कैसे पता, जबकि उस दिन वो आई थी तो उसने करण के बारे में कुछ भी बात नहीं की थी। कहीं वो सच तो नहीं कह रही कि हमारा बेटा हमसे सच में बात करना चाहता हो। सूर्य इन सब चीजों को नहीं मानता था, बल्कि यही सोचता है कि पैसों के लिए इंसान कुछ भी करने लगा है, और यही बात रोशनी से कहकर वो उस औरत से दूर रहने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि आखिर करण के साथ हुआ क्या था। पूरी फैमिली पिकनिक मनाने निकले थे जहाँ पर एक बड़ी सी झील थी। रोशनी और सूर्य आराम से लेटे हुए थे कि तभी करण और उसका दोस्त उनसे पूछने आते हैं कि हम लोग घूम कर आ जाए क्या। दोनों सोचते हैं कि बच्चे आखिर कहाँ ही जाएंगे, तो वो उन्हें जाने की परमिशन दे देते हैं। पर बच्चे कहीं घूमने जाने के बजाय मस्ती करने के लिए झील किनारे लगी बोट पर चढ़ जाते हैं और वो बोट स्टार्ट भी हो जाती है और वो लोग उसे मस्ती मस्ती में चलाने भी लग जाते हैं। थे तो वो आखिर बच्चे ही, तो उनसे वो नाव संभलती नहीं और पलट जाती है। सूर्य को जब नाव पलटने की आवाज सुनाई पड़ती है तो वो तुरंत दौड़ते हुए पानी में कूद जाता है दोनों को बचाने के लिए। वो करण के दोस्त को तो बचा लेता है पर उसे अपना बेटा कहीं नहीं मिल रहा होता। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे अपना बेटा नहीं मिलता और यही वजह थी रोशनी और सूर्य के बीच में दूरियां आने की, क्योंकि उनका बेटा इस तरह से मारा गया था। सूर्य का नेचर उस घटना के बाद से एकदम ही बदल गया था, क्योंकि अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार वो खुद को ही मानता था और हर वक्त अपने आप को उस हादसे के लिए कोसता रहता था, और उसके लिए फिर से नॉर्मल हो पाना बहुत मुश्किल सा था। हम देखते हैं कि सूर्य अपने बेटे को याद करके एक जगह गाड़ी रोक कर रोने लग जाता है कि तभी वहाँ पर रोजी नाम की एक लड़की आती है जो कि पैसों के बदले मर्दों की हवस मिटाने का काम करती थी और यही उसकी कमाई का जरिया था। रोजी उसे रोते हुए देखकर कहती है कि लगता है कि आप दुख में हैं, आप मेरे साथ चलिए, आपको सुख ही सुख मिलेगा। पास ही में होटल लिडो है, वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से मेरी सेटिंग है तो वो पैसे भी नहीं लेगा। होटल लिडो का नाम सुनते ही सूर्य चौकन्ना हो जाता है क्योंकि वो मुर्गन के तलाश में था। तो रोजी से पूछने पर वो बताती है कि उसे एड्स हो गया था, इसीलिए मैनेजर ने उसे निकाल दिया और अब वो अपने गाँव में पड़े पड़े मर रहा है। सूर्य देवव्रत को उसके गांव भेजता है ये पता करने के लिए कि रोजी की बात सही है कि नहीं। तो पता चलता है कि जो भी उसने बताया सब कुछ सही है। मुर्गन के जरिए उन्हें शशि के बारे में पता चलता है जो कि दलाल था, तो अब पुलिस शशि को ढूंढने में लग जाती है। सूर्य शशि को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है जहां मल्लिका उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि वो कहां है। सूर्य उससे पूछता है कि क्या वो कभी अरमान कपूर से मिला था, तो मल्लिका ना में जवाब देती है, जबकि उसे पता था कि शशि एक बार अरमान कपूर से मिला था। रोशनी साइकाइट्रिस्ट की मदद लेते हुए सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, पर सूर्य कभी भी किसी से भी कुछ भी बात शेयर नहीं करता था, जिस वजह से रोशनी उसे लेकर काफी परेशान थी कि वो कब नॉर्मल होगा और उनके बीच जो इतनी दूरियां आ चुकी हैं वो कब खत्म होंगी, क्योंकि पूरी जिंदगी ऐसे ही गम में बिता देना तो सही नहीं है। सूर्य को तैमूर के बारे में पता चलता है कि वो शशि का खास आदमी है, तो वो उसे उठवा लेता है, लेकिन पूछताछ करने पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। पर तैमूर को ये बात पता चलती है कि शशि ने अरमान कपूर से 20 लाख रुपए लिए थे, तो उसका माथा टनक जाता है कि आखिर उसे इतने पैसे कैसे मिल गए। तैमूर ने जो शशि का सिम चुराया था वो अपने फोन में डालकर उसमें मौजूद पहले नंबर पे फोन मिला देता है, तो उधर से आवाज आती है कि तुम्हें बाकी पैसे मिल जाएंगे, कल 8 बजे मेले में आ जाना। उस आदमी ने शशि समझकर अपनी बात बोल दी थी, पर उसे क्या ही पता था कि बात करने वाला शशि नहीं कोई और है। शशि से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करने के लिए सूर्य होटल लिडो जाता है, तो
वहाँ पर उसे रोजी मिल जाती है। तो वो उसी से पूछ लेता है कि शशि कहाँ है। रोजी कहती है कि मैं उसकी लड़कियों की लिस्ट में नंबर 1 पे आती हूँ, पर वो एकदम हलकट आदमी है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। सूरी की अक्सर सोते सोते आंखें खुल जाती थीं, क्योंकि उसके मन में करण को लेकर हजारों ख्याल आया करते थे। वो सोचता रहता था कि काश उसने बच्चों को अपने पास ही रोक लिया होता या उनके साथ गया होता, तो वो अपने बेटे को ना खोता। और ऐसे ही सोच सोच कर खुद को कोसा करता था अपने बेटे की मौत के लिए। अब एक दिन रोशनी को अपने दरवाजे के सामने एक लेटर पड़ा मिलता है। तो जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं करण, मुझे अपने माता पिता से बात करनी है। रोशनी को अब थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था कि शायद वाकई में लोग आत्माओं से बात कर सकते हैं। तो वो फ्रेनी के पास पहुंच जाती है अपने बेटे से बात करने के लिए। फ्रेनी आत्माओं को बुलाने की सारी प्रक्रिया करके करण की आत्मा को बुला लेती है, और फिर करण से बात करते हुए जो कुछ भी वो कह रहा था वो एक पन्ने में लिखने लग जाती है। करण कहता है कि वो उनके साथ ही है और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि जैसे आप मुझसे बात करने आए, वैसे ही डैडा भी मुझसे बात करने आए तो मुझे अच्छा लगेगा। सूरी को खबर मिलती है कि शशि एक मेले में गया था जहाँ वो मारा गया, लेकिन उसे किसने मारा ये किसी को भी नहीं पता था। और जो कुछ भी शशि के जरिए पता चलने वाला था वो सारे राज उसी के साथ चले जाते हैं, और ये केस फिर से वहीं आकर रुक जाता है जहाँ पहले था। सूरी को शशि के बैग से वो 20 लाख रुपए मिल जाते हैं जो उसने अरमान कपूर से लिए थे, पर ये बात पता चलना बाकी थी कि वो अरमान से पैसे क्यों लेता था। क्या पता शायद अरमान शशि से लड़कियां खरीदता था या नशीला पदार्थ या कुछ भी हो सकता था। तैमूर ने सोचा था कि शशि को ब्लैकमेल करके वो उससे पैसे ऐंठेगा, पर अब तो वो मर चुका था तो अब वो कुछ और प्लान बनाने लग जाता है। वो शशि की प्रेमिका मल्लिका को वापस से उस नरक में भेज देता है जहाँ से शशि उसे लेकर आया था, और फिर उसके घर में घुसकर पैसे ढूंढने लग जाता है, पर उसे कहीं नहीं मिलते क्योंकि अब तो वो पुलिस के पास थे। तैमूर को पैसे तो नहीं मिलते पर एक डीवीडी मिलती है। तो जब वो उसे लगाकर देखता है तो पाता है कि अरमान कपूर अपने 2 दोस्तों के साथ एक लड़की को लेकर होटल लिडो से निकल रहा है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रोजी थी। यहाँ एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि रोजी पूरी तरह से जख्मी होती है और एक डॉक्टर उसका घर पर ही इलाज कर रहे होते हैं। तैमूर भी वहाँ पर मौजूद था, तो शशि उसे धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तैमूर दोबारा से उस आदमी को कॉल मिलाता है जिससे शशि पैसे लेने वाला था, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान के बचपन का दोस्त संजय है। तैमूर उससे कहता है कि तुमने शशि को मेले में बुलाया था और उसे वहीं पर टपका दिया। मेरे पास शशि का सिम कार्ड है जिसमें तुम्हारा नंबर है, और एक डीवीडी भी है जो कि अगर दोनों चीजें पुलिस के पास पहुंच गई तो तुम्हारी नैया डूब जाएगी, इसलिए बेहतर है कि मुझे 50 लाख रुपए दे दो और सारे सबूत ले लो। हम देखते हैं कि रोशनी पूरी कोशिश कर रही थी सूरी के साथ दोबारा से बातचीत करने और उसके साथ समय बिताने की, पर सूरी अपने में ही डूबा रहता था जिसके कारण उनके बीच कुछ भी सही नहीं हो रहा था। सूरी रोजी के साथ काफी कंफर्टेबल फील करने लगा था और उसे उससे बात करके अच्छा भी लगता था, और केस से जुड़ी काफी बातें भी पता चल जाती थी तो वो उससे ही मिलना शुरू कर देता है। रोजी सूरी को एक जगह ले जाती है और कहती है कि मैं अगर कहीं ना मिलूं तो यहीं मिलूंगी, ये मेरी जगह है, यहाँ बहुत शांति रहती है। सूरी रोजी से पूछता है कि क्या वो कभी अरमान कपूर से मिली है, तो रोजी बताती है कि वो तो नहीं मिली लेकिन उसका एक दोस्त मेरा कस्टमर था और एक बार अरमान कपूर उसी के साथ आया था। 3 साल पहले जब अरमान फेमस नहीं था तब वो अपने दोस्त निखिल के साथ आया था, उसके साथ एक और आदमी था और हम लोग ड्राइव पे गए थे, बस और कुछ नहीं। रोजी सूरी को बताती है कि 3 साल पहले मेरी एक फ्रेंड कुछ आदमी लोग के साथ रात में गई लेकिन वापस नहीं आई, किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गई, किसी को कोई परवाही नहीं। सोचने वाली बात है कि एक लड़की गायब हो जाती है और यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं। सूरी को पता चलता है कि अरमान का निखिल नाम का भी दोस्त था तो वो उससे मिलने जाता है, पर उसका शरीर पूरी तरह से लकवा मार गया था और वो इस हालत में ही नहीं था कि कुछ भी बता सके। अब एक दिन सूरी अलमारी से
कुछ सामान निकाल रहा होता है कि तभी उसे खूब सारे लेटर्स दिखाई देते हैं जिसमें कि करण से जुड़ी बातें लिखी हुई थी। वो समझ जाता है कि रोशनी फ्रैनी के घर जाकर वही सब करने लगी है जो उसने मना किया था। तो वो तुरंत फ्रैनी के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर भड़कना शुरू कर देता है। फ्रैनी उससे कहती है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समझाई नहीं जा सकती और मैंने इस जिंदगी को नहीं चुना बल्कि इस जिंदगी ने मुझे चुना है। तुम्हें अपने दर्द का इलाज करना होगा वरना और दर्द मिलेगा। वो हम जैसे दर्द में डूबे लोगों की तरफ खींचे आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम भी उनकी तरह हैं। सूरी रोशनी को वहाँ से जबरदस्ती खींचकर ले जाने लगता है तो उनमें भी बहसबाजी शुरू हो जाती है। सूरी उससे कहता है कि इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तुम इन सब चीजों पर कैसे विश्वास कर सकती हो। रोशनी कहती है कि फ्रैनी ने मुझे ऐसी चीजें बताई जो कि सिर्फ करण जानता था और ऐसा करके मुझे खुशी मिलती है। रात रात भर गायब रहते हो और मुझसे कभी बात नहीं करते। मुझे ये भी पता है कि तुम पूरी रात काम नहीं करते बल्कि किसी के पास जाते हो पर मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा और तुम जहाँ जाते हो जो करते हो तुम्हारा उससे टाइम कटता है, तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं भी वो चीजें क्यों ना करूँ जिससे मुझे शांति और खुशी मिले। रोशनी ने आज अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी जिसको सुनने के बाद सूरी कुछ भी नहीं कह पाता। सूरी को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी तो वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां रोजी उसे मिल सकती थी। रोजी उसे होटल लिडो के कमरे में ले जाती है तो वहां सूरी अपने परिवार और उससे जुड़ी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगता है। सूरी उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है तो रोजी बताती है कि शशि की प्रेमिका मल्लिका बहुत बड़ी मुसीबत में है, तुम अगर उसे उस नरक से निकाल लो तो अच्छा रहेगा। अगली सुबह सूरी सीधा मल्लिका से मिलता है तो वो बताती है कि शशि ने पूरा पैसा देकर मुझे खरीद लिया था ताकि मैं ये काम कभी न करूं पर उसके मरने के बाद मुझे फिर से इस काम में जबरदस्ती धकेला जा रहा है। सूरी उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और सभी को अपना गुस्सा दिखाकर उसे उस नरक से लेके चला जाता है। मल्लिका समझती है कि सूरी काफी भला इंसान है तो वो उसे बता देती है कि शशि अरमान कपूर को जानता था और जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था उस रात वो उससे मिला भी था। उधर हम देखते हैं कि तैमूर संजय को कॉल करके कहता है कि कल पैसे लेकर एक लोकल ट्रेन में मिलना और अगर कोई चालाकी की तो डीवीडी पुलिस के पास पहुंच जाएगी। तैमूर की निर्मला नाम की एक प्रेमिका भी थी जो कि जिस्म फरोशी का काम करती थी पर अब उसकी उम्र हो जाने के कारण उसे कोई नहीं पूछता था पर तैमूर उससे बेहद प्यार करता था तो वो उसे अपने प्लान में शामिल कर लेता है ताकि पैसे मिलने के बाद वो लोग यहाँ से भागकर आराम से अपनी जिंदगी जिए। अगले दिन तैमूर संजय से मिलता है और पैसों से भरा बैग ले लेता है। संजय बहुत चालाक था, वो इतनी आसानी से तैमूर को जाने तो नहीं देता इसलिए वो अपने आदमी उसके पीछे लगा देता है। तैमूर भागते दौड़ते निर्मला के पास जा पहुँचता है और उससे बैग बदली करके कहता है कि तुम ट्रेन में चढ़ जाओ, मैं तुम्हें आगे मिल जाऊंगा। भागम भाग करते हुए आखिर में संजय के आदमी तैमूर को पकड़ ही लेते हैं और संजय उसे टपकाने का ऑर्डर दे देता है। आदमी उसके छाती पर 2-3 गोलियां दाग देते हैं और अब वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लग जाता है। तभी उसके सामने रोजी आ जाती है और कहती है कि अपने आप को मेरा दोस्त बोलता था तू पर तूने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। रोजी को देखकर तैमूर एकदम डर सा जाता है जैसे न जाने क्या ही देख लिया हो और डर के मारे वो छत से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है पर गिरते गिरते वो एक नाम पुकारता है, सिमरन। उधर निर्मला ट्रेन पर चढ़ चुकी थी और इंतजार कर रही थी तैमूर का पर वो आता नहीं। पैसों से भरा बैग उसके पास था और अब वो गलत काम छोड़ के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी और तैमूर ने अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। सूरी तहकीकात करते हुए तैमूर की लाश तक पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने मरते समय सिमरन नाम बोला था तो अब ये सिमरन कौन थी ये पता करने के लिए वो ऑफिसर्स को लगा देता है। संजय ने जिस आदमी को तैमूर को मारने का काम दिया था वो पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो बता देता है कि तैमूर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट संजय ने दिया था। देवव्रत सूरी को बताता है कि सिमरन नाम की लड़की वैश्यवृत्ति का काम तो करती थी पर 3 साल पहले कहीं भाग गई। सूरी अपनी टीम लेकर संजय के घर पहुंच जाता है और कहता है कि तैमूर और शशि को मारने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है।
संजय समझ गया था कि अब उसका समय आ चुका है और सच बताना ही सही रहेगा। संजय बताता है कि 3 साल पहले मैं, अरमान और हमारा दोस्त निखिल एक पार्टी में जा रहे थे। निखिल शशि को जानता था तो एंजॉयमेंट के लिए वो होटल लिडो ले गया और वहाँ से हमने सिमरन नाम की लड़की को पिक किया। हम उसे एक पार्टी में ले जा रहे थे लेकिन निखिल उसके साथ कार में ही शुरू हो गया। न जाने क्या हुआ, कुछ भी समझ नहीं आया, पर कार का दरवाजा अचानक खुल गया और वो दोनों ही चलती कार से नीचे गिर गए। सिमरन और निखिल दोनों ही बुरी तरह से जख्मी हो गए थे तो संजय और अरमान ने निखिल को उठाकर गाड़ी में बैठाया हॉस्पिटल ले जाने के लिए। पर जब अरमान सिमरन को उठाने के लिए जाने लगा तो संजय ने उसे रोक दिया ये कहते हुए कि अगर इस वैश्या को बचाने का सोचा तो हम लोग ही फंस जाएंगे, इसलिए उसे यही छोड़ो और चलो। सिमरन उस वक्त होश में थी पर उन्होंने उसकी मदद नहीं की। उन्होंने शशि को कांटेक्ट किया ताकि वो सिमरन को संभाल ले। एक हफ्ते बाद शशि ने उन्हें कांटेक्ट किया और होटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भेजी जिसमें कि वो तीनों सिमरन के साथ साफ साफ नजर आ रहे थे। उसने बताया कि लड़की मर चुकी है और उसकी लाश को कहीं दफना दिया है। उस डीवीडी की कॉपी संजय के पास थी तो वो उसे चला के दिखाता है तो उसे देख कर सूरी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके हिसाब से वो सिमरन नहीं रोजी थी। वो बताता है कि इस लड़की को तो मैं जानता हूँ, यही तो वो लड़की है जो मुझे जानकारी देती है। सूरी कहता है कि मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ और वो जिंदा है। मुझे लगता है कि उसने शशि के साथ मिलकर तुम्हें फंसाया है और अब उसका नाम सिमरन नहीं रोजी है, लेकिन वो मेरी मदद क्यों कर रही थी ये तो उससे मिल के ही पता चल पाएगा। सूरी देवव्रत को सिमरन को ढूंढने के ऑर्डर्स दे देता है और वो संजय को अपने साथ लेके चला जाता है। सूरी संजय से कहता है कि पहली बार जब तुम्हें फोन आया था तभी पुलिस को बता देना चाहिए था तो शायद तुम्हारा दोस्त आज जिंदा होता और शशि और तैमूर भी। वो ऐसे ही बातें कर ही रहा होता है कि तभी सूरी को शीशे में रोजी यानी कि सिमरन पीछे की सीट पर बैठी दिखाई पड़ती है। वो जब पीछे पलट के देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन तभी अचानक सिमरन रोड के बीचों बीच आकर खड़ी हो जाती है जिसे बचाने के चक्कर में सूरी गाड़ी मोड़ देता है और गाड़ी सीधा समुद्र में जा गिरती है, ठीक वैसे ही जैसे अरमान की गाड़ी गिरी थी। गाड़ी समुद्र के गहराई में चली जाती है पर सूरी अभी भी होश में था तो वो गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है पर दरवाजा फंस चुका था। तभी वो देखता है कि संजय की मौत हो चुकी है और शायद वो भी मरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ सिमरन आ जाती है और गाड़ी का दरवाजा खोल देती है और सूरी बच जाता है। अब यहाँ सारा राज खुल जाता है कि आखिर अरमान क्यों मरा और सिमरन कौन थी। सिमरन थी ही नहीं बल्कि वो तो 3 साल पहले ही मर चुकी थी अरमान, संजय और निखिल की वजह से। उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया जिसके कारण सिमरन की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो भटकती रही अपना बदला लेने के लिए। निखिल एक्सीडेंट के बाद पैरालाइज हो गया था और अरमान को उसने वैसे ही मारा जैसे संजय को मारा गाड़ी के सामने आकर। सिमरन को इस बात का भी दुख था कि वो मर गई पर इस बात की ना छानबीन हुई और ना ही कोई तहकीकात। वो वैश्यावृत्ति का काम करती थी तो ये समाज ऐसे लोगों को अपने में वैसे भी नहीं गिनता, तो जो गिनती में ही नहीं उसके चले जाने का किसी को गम भी नहीं था। शायद इसीलिए सिमरन को खुद आना पड़ा अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए। जिसके साथ गलत हुआ था इतने समय से वही सूरी से बातें करके उसे सब कुछ बता रही थी, पर सूरी जब ये बात अपने सीनियर को बताता है तो वो उसे बेवकूफ समझते हैं और कहते हैं कि तुमने जब से इस केस को लिया है तब से हर कोई यही देख रहा है कि तुम हवा में बातें करते रहते हो, अगर तुम ये स्टेटमेंट दोगे तो पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, इसलिए बेहतर है कि ये बेवकूफी भरी बातें करने के बजाय जो बोला जाए बस वही बोलना ताकि हम बेवकूफ ना लगे। जाहिर सी बात थी कि कोई भी सूरी की बात पर यकीन करने वाला नहीं था क्योंकि कोई आत्मा से बातें कर सकता है, ये किसी के लिए मानना कोई छोटी बात तो नहीं थी। पर सूरी को अब भी लग रहा था कि सिमरन सच में है तो वो उससे मिलने के लिए वहीं चला जाता है जहां वो अक्सर मिलती थी, पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि सिमरन ने कहा था कि ये मेरी जगह है, यहां कोई नहीं आता। सूरी का दिमाग तनकता है और उसे याद आता है कि सिमरन के मरने के बाद शशि ने उसकी लाश कहीं दफना दी थी तो शायद ये वही जगह है जहां उसने सिमरन को दफनाया होगा। वो एक लोहे की सरिया लेकर वहीं पर
सिमरन एक जगह खोदने लग जाता है और उसे आखिरकार सिमरन की बॉडी तो नहीं पर उसका कंकाल मिल ही जाता है। यानी कि सिमरन सच में थी और उसके साथ सच में बहुत गलत हुआ था, पर आज भी उसे इंसाफ मिलने के बजाय केस को अलग ही मोड़ पे लेके जाकर उसे दबाया जा रहा था। सूरी उसकी बॉडी को निकाल कर सारे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार करता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। सब कुछ करने के बाद सूरी अपने घर आता है तो उसे अलमारी से एक लेटर मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था डैडा। सूरी को अब यकीन हो चुका था कि आत्माएं होती हैं क्योंकि उसने खुद ही एक आत्मा से इतने लंबे समय तक बात की थी, इसीलिए वो रोशनी के ऊपर चिल्लाने के बजाय उस लेटर को लेकर वहां पहुंच जाता है जहां करण की मौत हुई थी। वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि डैडा मैं आपको बहुत मिस करता हूं और मुझे पता है कि आप भी मुझे मिस करते होंगे। उस दिन जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी बल्कि मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बस यही बोलना था कि उसको बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप खुद को दोष मत दीजिए क्योंकि इससे मुझे बहुत दुख होता है। मेरी वजह से आप मम्मा से झगड़ा मत कीजिए और अगर आप दोनों खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा। ये लेटर पढ़कर सूरी फूट फूट कर रोता है क्योंकि वो लेटर उसके बेटे करण की तरफ से था जो उसे समझा रहा था कि जो हुआ उसमें उनकी गलती नहीं थी, इसलिए जो भी हुआ उसके बारे में सोच सोच कर आगे की जिंदगी खराब ना करें बल्कि आगे बढ़ें। तभी वहाँ पर रोशनी आ जाती है और सूरी को गले से लगा लेती है और अब उनके बीच सब सही होते दिखाई दे रहा होता है क्योंकि सूरी के मन से अब अपने आप को दोष देने का ख्याल निकल चुका था। और फिर इसी कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखी एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान खुद को इंसाफ दिलाने और बदला लेने के लिए आत्मा बनकर आ गया। ये फिल्म देखने से पहले आपको ये मानकर चलना होगा कि भूत प्रेत आत्माएं और उनसे बात करने की प्रक्रिया और उनसे जुड़ी सभी बातें सच होती हैं, तभी आपको ये मूवी पसंद आएगी। अगर आप इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं तो हो सकता है कि शायद आपको इसकी एंडिंग कुछ खास ना लगे या फिर बचकानी सी लगे, पर अगर विश्वास है तो इसकी एंडिंग ने आपको चौंकाया जरूर होगा। जो एकदम बुद्धिमान टाइप लोग हैं उन्हें शायद आधे में ही समझ आ गया होगा कि आखिर माजरा क्या है, तो उनकी बुद्धि को मेरा सलाम। मूवी की कहानी काफी सही थी पर बात वहीं आकर अटक जाती है कि आप मानते क्या हो। अगर नहीं मानते हो तो हर चीज पर सवाल उठेंगे कि आखिर सब कैसे हो रहा था, सिमरन के भूत ने इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया, सूरी जब उसे मिला तो सीधे सीधे क्यों नहीं बता दिया कि वो क्या चाहती है, इतना गोल गोल क्यों घुमाया, आखिर में उसने संजय को भी मार ही दिया तो उसका ये मकसद तो बिल्कुल नहीं था कि उसकी सच्चाई बाहर आए या लोगों को पता चले कि उसके साथ क्या गलत हुआ और गुनहगारों को कानूनी तौर पर सजा मिले। तो उसने इतना सब कुछ किया ही क्यों जब खुद से ही सबको मारना था। ऐसा करने से सूरी अपने पूरी टीम के सामने बेवकूफ नजर आया क्योंकि सब ये समझने लगे कि वो अपने आप से ही बातें करता है और पूरे डिपार्टमेंट में उसकी बातें होने लगी। शुरू से लेकर आखिर तक मूवी आपको बांध कर रखती है, पर जब आखिर में ये राज खुलता है कि सिमरन यानी कि रोजी एक आत्मा है तो यहीं पर सब गड़बड़ सा लगने लगता है। हाँ, ये मान सकते हैं कि सिमरन के आने के बाद सूरी को एहसास हुआ कि आत्माएं होती हैं, तो उसे अपने बेटे की आत्मा के होने का यकीन हुआ और चिट्ठी में लिखी बातों पर उसे विश्वास हुआ कि उसके बेटे ने ही सारी बातें कही हैं। करण की आत्मा का होना और फ्रेनी का उससे बात करना ये भी उतना ही सच हो सकता है जितना आप मानते हैं। आत्माओं से बात करना ज्यादातर तो लोग इसे अंधविश्वास ही मानते हैं, पर दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो ऐसी चीजें करते भी हैं और मानते भी हैं। कई हॉरर मूवीज देखी होंगी जिनमें ऐसी ही चीजें दिखाई जाती हैं, वो भी डरावने अंदाज में, पर इसमें डरावना चेहरा दिखाकर या भूतिया साउंड इफेक्ट लगाकर बिल्कुल भी डराने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि ऐसा दिखाया गया है कि अगर वाकई में आत्माएं होती तो शायद वो ऐसी ही होती, नॉर्मल दिखने वाली और नॉर्मल तरीके से कॉन्टैक्ट करने वाली। मोमबत्ती बुझ जाना और तेज हवाओं का चलने लगना या जिस हालत में इंसान मरा है उसी हालत में नजर आना, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता।
अब हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का नेचर हमें जिस तरह का देखने को मिलता है, ज्यादातर कई मर्दों का नेचर ऐसा ही होता है, शायद लगभग सभी का। करण के साथ जो हुआ था उस चीज के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानने लगा था और उसके अंदर क्या बीत रही है वो किसी को बता भी नहीं पाता था, बल्कि सबके सामने एकदम सख्त बन के रहता था, क्योंकि जिस पोस्ट पर वो था उसमें सख्त बने रहना ही उसकी ड्यूटी थी। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिसके साथ होते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसके ही सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि डर रहता है कि कहीं मेरी बातों से वो भी ना टूट जाए, क्योंकि वो बात उससे भी जुड़ी होती है। तो इसीलिए वो रोजी के पास जाकर अपनी फीलिंग शेयर करता था, क्योंकि वो जानता था कि वो उसकी सुनेगी और उसे जज नहीं करेगी, और वो अनजान लड़की थी तो वो उसके दुख से कनेक्ट भी नहीं हो सकती थी, जिसके चलते वो खुलकर उसके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाता था। सिमरन तैमूर से नाराज इसलिए हुई क्योंकि उसे सब पता चल गया था, पर फिर भी उसे इंसाफ दिलाने के बजाय वो अपना मतलब देख रहा था, पर वो तो अपने प्यार के लिए कुर्बान हो गया। इस मूवी के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि इसका क्लाइमैक्स रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म के स्टोरी राइटर जोया अख्तर का कहना है कि एक बार वो हाजी अली रोड से अपने 4-5 दोस्तों के साथ गाड़ी से जा रही थी कि तभी उनकी गाड़ी के सामने अचानक एक औरत आ गई जिसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे। उन्होंने गाड़ी रोकी और बाहर निकल के देखा कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, तो उन्हें वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। इस हादसे के बाद जोया को आइडिया आया इस फिल्म की कहानी का और उन्होंने फिल्म की डायरेक्टर रीमा के साथ मिलकर ये मूवी बना डाली। अब एक्टिंग की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आमिर खान, राजकुमार राव, करीना कपूर खान, रानी मुखर्जी, शीबा चड्ढा जैसे बेहतरीन कलाकार हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं और सबकी एक्टिंग से तो आप वाकिफ ही हैं कि सभी कितने बढ़िया कलाकार हैं। इस फिल्म में मुझे आमिर सर की एक्टिंग काफी तगड़ी लगी और लास्ट में तो उन्होंने इस तरह से अपने इमोशंस दिखाए कि शायद वो आपको रोने पर मजबूर कर दें। रानी मुखर्जी, राजकुमार राव, शीबा चड्ढा और नवाजुद्दीन सर, इन सभी के रोल ज्यादा बड़े नहीं थे, पर सबने अपने किरदार को बखूबी निभाया, खासकर नवाज सर ने। इस मूवी के सभी गाने अच्छे हैं, तो अगर आपको कभी समय मिले और आपने ना सुना हो तो सुनिएगा जरूर। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग होंगे जिनके पास किसी भूत प्रेत की सच्ची कहानी जरूर होगी और आप उन पर विश्वास भी करते होंगे। ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया पर फिर भी वो डरते होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें कहीं भी ले जाओ उन्हें घंटा फर्क पड़ता है भूत प्रेत चुड़ैल से। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, पढ़ाई लिखाई और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो कर रहे होंगे। तो बस मुझे तो यही कहना था कि आप लोग अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक और कमेंट करके अपना प्यार मुझे दिखा सकते हैं। मेरे लिए जो प्यार है आपके दिल में वो जाहिर कर सकते हैं लाइक और कमेंट करके। तो नीचे जाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल नया है जैसे कि आपको पता है। और कुछ नहीं, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, मिलते हैं, बाय।